हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोगों का एक्चुअली राउंड फोर चल रहा है, ठीक है। बट हम मैथ्स का अभी थर्ड चैप्टर ही कर रहे हैं। एक्चुअली होना चाहिए था फोर्थ चैप्टर, बट हमने पिछली बार एग्ज़ाम होने की वजह से मैथ्स को नहीं लिया था, कंसिडर नहीं किया था। तो आज हम उसका थर्ड चैप्टर करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी एक एक्सरसाइज का बन चुका है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ अवर मैथमेटिक्स, राइट। तो आज का जो सेशन है ना, दैट इज एक्चुअली हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट भी जो है ना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और साथ में लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो देखिए, आज हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट के ऊपर ही पूरी पढ़ाई करनी है, ठीक है। स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट के अंदर ना हमको दो मेथड से ढूंढना है। तो पहला मेथड जो है ना, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो दूसरा है ना, उस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। और पूरी एक्सरसाइज जो नेक्स्ट है ना, दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन दिस टू टॉपिक्स ओनली, राइट। सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि भाई चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट ढूंढते हैं, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। क्योंकि देखो, बेसिकली आपको ना एलसीएम ही लेना है, और प्राइम का मतलब क्या हो गया ना, कि जो फैक्टर्स होंगे ना वो प्राइम ही होने चाहिए। लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही सारे नंबर होने चाहिए। चलो एक काम करते हैं, लेट्स सी। चलो एक दो एक ही नंबर लेते हैं, और उसी नंबर को ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग डिवीजन से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो लेट्स सी द फर्स्ट नंबर, दैट इज 7056, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए सबसे छोटा प्राइम कौन सा हमारा? 2 होता है। तो 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, वो हमारी सबसे बड़ी चिंता होगी। तो उसके लिए मुझे सबसे लास्ट वाले नंबर को देखना है कि ये 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से ये कोई भी नंबर है ना, दैट मीन्स ये 2 के टेबल में आएगा। तो 6 है तो 2 के टेबल में आने वाला है। अब चलिए देखते हैं। तो यहाँ 2 लिखूंगा। अब आपको ना साइड में जाके करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इसको सॉल्व करना है एक एक डिजिट को लेकर। देखिए 7 को पहले लीजिए, 2 7 से छोटा है ना, तो ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़ो 7 से छोटा, तो 2 3 6 होता है, 2 3 6, 6 को मन में रखो। अब 7 में से 6 को माइनस करके कितना आएगा? 1 आएगा। 1 को मन में रखते हुए 1 और 0 बन जाएंगे 10, कितने हो जाएंगे? 10। अब 2 का डबल पढ़ो 10 तक, तो 2 5 10, पूरा 10 के 10 पूरा खत्म हो गया, क्योंकि 10 माइनस 10 इज 0। अब यहां पर अकेला क्या आया? 5 आया। अब 2 का डबल पढ़ो 5 से छोटा, तो 2 2 4, 2 2 4, देखो 5 में 4 माइनस किया तो बचा कितना? 1, 1 और 6 हो जाएगा 16। तो अब 2 का डबल पढ़ो 16 जितना, तो 2 8 16, आई बस समझ में। सिमिलरली फिर से 2 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है? 8 है। अब देखो 2 का टेबल पढ़ो 3 से छोटा, यानी 2 1 2, 2 1 2 हो गया, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बचेगा? 1, 1 और 5 15। अब 2 का टेबल पढ़ो 15 से छोटा, तो 2 7 14 होता है, तो 15 से छोटा है, तो 2 7 14 होता है, और यहां पर था 15, तो 15 में से 14 को माइनस करूंगा तो बचेगा 1, 1 और 2 12 होता है, और 2 6 12, और 12 में से 12 माइनस हो तो पूरा 0, बचा सिर्फ कितना? 8, और 2 के टेबल में 8 कब आता है? तो 2 4 जा, आई बस समझ में बच्चों। देखो सिमिलरली अगेन अगेन यू हैव टू डिवाइड इट बाई 2, बिकॉज स्टिल वी हैव 4 ओवर हियर। तो देखो अब यहां पर दिमाग लगेगा। देखिए 1 है, 1 2 से छोटा है ना, तो हमको अब ऐसे केसेस में क्या करने का मालूम है, जब भी डिविडेंड में पहला नंबर ऐसा हो जो डिवाइजर से छोटा होना, तो हमको 2 डिजिट लेने का। तो देखो 1 के बाद हमको 7 को भी कंसिडर करके 17 लेकर चलने का। तो 2 का टेबल 17 से छोटा, तो 2 8 16 होता है, तो बचा 1, 1 1 1 और 6 16, फिर से 2 8 16, पूरा 16 16 माइनस हो गया। अब 2 2 4 होता है, 2 2 4, आई बात समझ में। सिमिलरली 2 से फिर से देखो, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब देखो अब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। तो ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, ये तय हो गया। अब देखते हैं 3 के टेबल में आता है कि नहीं। अब 3 के टेबल में आएगा या ना आएगा, उसके लिए कैसे पता चलेगा? इन तीनों डिजिट्स को प्लस करो, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो 9 3 के टेबल में आता है? आता है, तो ये 3 से जाएगा। तो चलो देखते हैं, तो 3 3 का टेबल पढ़ो 4 से छोटा, तो 3 1 3,
थ्री वन जै थ्री किया तो बच्चा कितना, फोर में से थ्री को माइनस करेंगे तो वन बचेगा, वन और फोर हो जाएगा फोर्टीन, वन और फोर क्या हो जाएगा फोर्टीन, और थ्री फोर जै ट्वेल्व होता है, फोर्टीन से जस्ट नीचे थ्री के टेबल कब आता है, थ्री फोर जै ट्वेल्व, अब फोर्टीन में से ट्वेल्व को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा टू, टू वन ट्वेंटी वन, टू वन ट्वेंटी वन, ठीक है, टू वन ट्वेंटी वन, और थ्री का टेबल ट्वेंटी वन से छोटा पड़ेंगे तो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, ठीक है। फिर से देखो क्या ये थ्री के टेबल में आता है, तो वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, और ट्वेल्व थ्री के टेबल में आता है, यानी ये पूरा थ्री के टेबल में आएगा। फिर से थ्री से करते हैं, थ्री देखो वन छोटा है ना थ्री से, तो मुझे दो डिजिट लेना पड़ेगा, तो थ्री का टेबल पढ़ना है फोर्टीन से छोटा, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो फोर्टीन में से ट्वेल्व माइनस करेंगे बचेगा टू, टू सेवन हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, और थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन। अब ये थ्री के टेबल में नहीं आता है, तो ये आता है किसके टेबल में, सेवन, सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन, सेवन वन जा सेवन। अब देखो यहाँ पर हमको करना क्या है, सेवन जीरो फाइव सिक्स इक्वल्स टू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन इंटू सेवन, ठीक है। इसमें करना क्या है ना, हमें अब इस तरीके से स्क्वायर रूट निकालेंगे ना इसे, तो यहाँ पर पेयरिंग बनानी पड़ती है इसकी। अब पेयरिंग बनाने के बाद जो दो दो के जोड़े थे मैं उसको एक एक बारी लिखना, तो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और ट्वेल्व सेवन जा एट्टी फोर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, एट्टी फोर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, एट्टी फोर है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए एक और सम करना है, तो बोलो तो कर देते हैं, तो चलो ले लेते हैं वन फोर फाइव एट, एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार, ये दोनों को मैं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से करूंगा, फिर मैं दोनों को एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करके दिखा दूंगा। अब देखो सबसे पहले टू से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एट है, तो टू का देखो वन, वन टू से छोटा है, तो वन फोर कितना हो गया फोर्टीन हो गया, तो टू का टेबल पढ़ो फोर्टीन से छोटा, तो टू सेवन जा फोर्टीन, टू सेवन जा फोर्टीन, ठीक है। अब टू का टेबल पढ़ो फाइव से छोटा, तो टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, फाइव में से फोर माइनस हुआ तो वन बचा, वन और एट एटीन, तो टू नाइन जा एटीन, टू नाइन जा एटीन, आई बस उनमें। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहां पर है ना एक क्वेश्चन आएगा कि भाई जब मैंने इसको डिवाइड किया तो दो दो का पेयरिंग नहीं बन रहा है, तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है मालूम है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो हम लोग ढूंढते हैं, अभी बताएंगे आगे क्या है। अब ये किसके टेबल में जा रहा है, थ्री के टेबल में जाएगा, पूछना है तो देखना है तो देख लो, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन प्लस नाइन एटीन, और एटीन थ्री के टेबल में आता है, तो थ्री से करते हैं, थ्री का टेबल पढ़ना है सेवन से छोटा, तो थ्री टू जा सिक्स, बचा वन, क्योंकि सेवन में से सिक्स माइनस करते हैं तो वन बचता है ना, वन और टू कितना होता है ट्वेल्व, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फोर जा ट्वेल्व, और थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। अब इधर थ्री टू छोटा है तो फोर पूरा ट्वेंटी फोर, तो थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, और थ्री वन जा थ्री, फिर थ्री का टेबल एट से छोटा, तो थ्री टू जा सिक्स, बचा कितना टू, टू वन ट्वेंटी वन, तो थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, फिर थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, थ्री थ्री जा थ्री वन जा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, वन फोर फाइव एट विल बी इक्वल टू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। अब यहाँ पर ना देखना, जब मैं इसका पेयरिंग करूँगा ना, तो इसकी पेयरिंग हो रही है, इसकी पेयरिंग हो रही है, इसकी पेयरिंग हो रही है, लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं हो रही है। तो अगर इसकी पेयरिंग नहीं हो रही ना, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वन फोर फाइव एट जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कैंसिल कर रहा हूँ, देखो क्रॉस कर रहा हूँ, और जिसमें सबके पेयर बन जाते हैं ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी 7056 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट 1458 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे कि आपने देखा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो जो लॉन्ग डिविजन मेथड है ना, ये एक्चुअली दोनों में लगा सकते हैं, तो है ना मैं आपको सिखाऊंगा पहले तो इसका, इसमें कैसे लॉन्ग डिविजन मेथड से इसका भी आंसर 84 कैसे आएगा ना, उसका एक तरीका है, तो देखना आप ध्यान से, राइट, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग डिविजन मेथड में ना बच्चों कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आपको पहले इस तरीके से लिखना है, ठीक है, ये ब्रैकेट जैसा बना दो, 7056 लिख दो, ठीक है। इसमें जब भी ऐसे नंबर आते हैं ना, कोशिश क्या करो दो दो की पेयरिंग बनाओ,
हमेशा दो दो की जोड़ा बनाना है, दो और दो, और अगर इधर कोई और एक होता ना तो उसके आगे जीरो लिख के उसको दो का जोड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या 70 का जोड़ा बन गया और इधर 56 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ पर मानो मैं यहाँ पर वही नंबर लिखना है, यहाँ पर किस टाइप के नंबर लिखने हैं, जैसे देखो 5 × 5 = 25 होता है, 6 × 6 = 36 होता है ना, मतलब 6 6 ही लिखना है, 5 5 ही लिखना है या 4 4 ही लिखना है, राइट। लेकिन अब हमको ये देखना है कि ऐसे वो कौन से दो नंबर है जिनको सेम को मल्टीप्लाई करके ना 70 से छोटा होता है। तो देखो 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64, तो देखो 8 8 जा यहाँ पर क्या लिखाऊंगा है 64, बचा कितना माइनस करके 6, ठीक है। अब ये 6 बचा, अब जो पेयर है ना वो पूरे के पूरे एक साथ ही उतरेंगे, पूरे के पूरे क्या करेंगे एक साथ ही नीचे उतरते हैं, ठीक है। अब एक और अच्छी चीज, ये जो 8 8 जा लिखा ना, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में जाता है ना उसको नीचे लाकर फिर से प्लस करना होता है, तो ये हो गया कितना 16, ये कितना हो गया 16। अब देखो अब मुझे क्या दिमाग लगाना है कि अब अगला टर्म क्या होगा, बहुत सिंपली तरीके से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, दो डिजिट है ना, यहाँ पर भी आप दो डिजिट लेकर चलो, ठीक है। अब दिमाग ये लगाओ कि 16 का टेबल पढ़ो, 16 का टेबल पढ़ो 65 से छोटा, 16 का टेबल पढ़ो 65 से छोटा, तो 16 का टेबल अगर मैं पढ़ता हूँ ना 65 से छोटा, 16 4 = 64 होता है, 16 4 = 64 होता है। तो साइड में मालूम है क्या करना है आपको, साइड में देखो 16 4 जाए ना तो 164 × 4 करना है, 164 × 4, जब 164 × 4 करेंगे ना तो हमको 656 मिल जाएगा, देखना तो देख लो, ठीक है। 4 4 = 16 कैरी 1, 6 4 = 24, 24 + 1 = 5 कैरी 2, 4 1 = 4 + 2 = 6, 656, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो भी नंबर है ना जितना डिजिट है, दो डिजिट है ना तो पहले दो ही डिजिट को देखो। अब दो डिजिट में ना आपको एक खाली ये काम करना है कि देखना है कि 16 का टेबल 65 से जस्ट छोटा, तो 16 4 = 64, तो जो भी आता है ना बच्चों तो 16 4 जाता ना तो 4 को यहाँ लिखना है इस प्रकार से। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो 16 4 जाए ये खाली हमें हेल्प लेने के लिए था कि हम कैसे उस नंबर तक पहुँचें जो यहाँ पर इफेक्टिवली हो। तो 4 जाए ना तो 4 यहाँ भी लिखने का, 4 यहाँ भी लिखने का, 4 यहाँ भी लिख के इसको 168 प्लस कर दो और इधर 656 करके 000, तो ये आपका आंसर बनता है। हाई वर्सन में अभी 2 3 सम और करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंट आ जाएगा। देखिए जो एक्सरसाइज 3.2 है ना उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना आपका फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो बहुत ही ईजी है, उसमें सिर्फ एलसीएम निकालना है और दो दो की पेयरिंग बनानी है, और जो भी पेयरिंग बनाने के बाद नंबर आते हैं ना उनको मल्टीप्लाई कर दो तो वो स्क्वायर रूट निकल जाता है। बट अब जो मेन इशू है ना वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड का, तो चलिए एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड के ना मैं 2 3 सम और आपके लिए कर देता हूँ। चलो एक 4 डिजिट वाला ले लेंगे, एक 5 डिजिट वाला ले लेंगे, एक 6 डिजिट वाला ले लेंगे, और ऐसा होगा तो एक 7 डिजिट वाला ले लेंगे। मैं 4 सम आपको करके दिखाता हूँ। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं 7 9 2 1 का ले लेते हैं। तो चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करना, दो दो की पेयरिंग बनाओ। बना दिया पेयरिंग, इधर 21 की एक अलग पेयरिंग हो गई, 79 की एक अलग पेयरिंग हो गई। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर वही नंबर लिखना है, ठीक है, जिनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इससे छोटा होना चाहिए। तो देखो जो मेरे दिमाग में कैलकुलेशन आ रहा है ना वो 8 8 = 64 हो रहा है, और इसके बाद वाला नंबर 9 9 जा देखे तो 81 इससे बड़ा हो जाता है ना, तो मुझे 8 8 जा ही लेना है। तो देखिए 8 8 जा यहाँ लिखा ना, फिर 8 यहाँ पे प्लस करके इसको 16, ये तो सबसे पहला स्टेप होता है, जिन दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो ना उसी को यहाँ पर प्लस करके नीचे आंसर लेकर आ जाना है। तो 8 8 जा कितना होता है 64, अब माइनस करो तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1। अब क्या हुआ 21 पूरा के पूरा यहाँ पर आएगा बच्चों, कितना आएगा 21 पूरा के पूरा आएगा। अब दिमाग लगाना है, अब दिमाग ये लगाना है ना कि 16 है, 16 है। अब देखो यहाँ पर दो डिजिट है तो यहाँ पर भी दो डिजिट ढूंढो, लेकिन ये दो डिजिट जो है ना वो इससे छोटा है तो मुझे 3 डिजिट लेना है। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी बड़े नंबर को किसी बड़े नंबर से कैसे डिवाइड करना। दो डिजिट है ना तो यहाँ भी दो डिजिट लो, लेकिन अगर ये दो डिजिट इससे छोटा है ना तो ऑटोमेटिकली 3 डिजिट ले लो। अब क्या करना, यहाँ से एक डिजिट छुपाओ तो यहाँ से भी एक डिजिट छुपाओ, तो इधर क्या बच रहा है 1 और इधर क्या बच रहा है 15। तो मुझे करना क्या है, जब ऐसा कोई नंबर बचे ना तो 1 का टेबल है ना सिंगल डिजिट यानी 9 तक ही पढ़ना है। तो देखो तो 9 तक ही पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि 1 टेंशन नहीं लेना है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 9 = 81, 1 carry 8, 9 6 = 54 + 8 = 62 यानी 2 carry 6,
नाइन वन से नाइन प्लस सिक्स यानी फिफ्टीन आ गया। तो देखो यहाँ पर नाइन, यहाँ पर नाइन, यहाँ पर नाइन, प्लस करके नाइन प्लस नाइन एटीन, कैरी वन सेवन वन, और इधर वन फाइव टू वन, तो ये क्या हो गया पूरा जीरो 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 हो गया। तो आंसर क्या है अपना 89 इज योर आंसर। क्या आंसर है 89, ठीक है। अब एक अगला सम और ले लेते हैं सेकेंड, जो पांच डिजिट का है, तो वो सम है 64516, 64516। देखो फिर से दो का जोड़ा, दो का जोड़ा, लेकिन यहाँ पर एक ही है तो उसके आगे जीरो लगा दो। अब देखो ये 06 का एक जोड़ा हो गया, 45 का दूसरा जोड़ा हो गया, और 16 का नेक्स्ट पेयर हो गया। अब मुझे यहाँ पर वही नंबर लिखना है ना जो जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 6 से छोटा है, तो मालूम क्या है वो 2 2 4 है, क्योंकि 3 3 जब करते ना तो वो 9 हो जाता है, तो 9 नहीं चलेगा, 4 वाला ही चलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 2 4, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई वही सेम चीज़ नीचे प्लस होकर ये क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर आएगा 04, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। अब ये 45 पूरा नीचे आएगा, 45 पूरा नीचे आएगा। अब देखो 4 सिंगल डिजिट है ना, तो यहाँ पर भी सिंगल डिजिट लो, लेकिन ये सिंगल डिजिट इससे छोटा है ना तो आपको दोनों डिजिट लेना पड़ेगा। अब 4 का टेबल पढ़ो, 24 से जस्ट नीचे, तो 4 5 20, ठीक है, तो 4 5 20 हो रहा है, तो 45 इंटू 5 करो, जितने सारे ना वो 5 यहाँ पर लिख के, यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 2, 5 4 20, 20 प्लस 2 22, 225 तक हम पहुंच रहे हैं। अगर आपको चेक करना है 4 6 तो यू कैन चेक, तो क्या ज़्यादा बार ये मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा, 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 4 24, +3 27, 276 आता है, तो मेरे लिए करेक्ट वैल्यू यही है। तो देखो 5 यहाँ रखो, 5 यहाँ रखो, 5 यहाँ प्लस करके इसको 50 कर लो, और इधर आता है 225। अब 225 मतलब कितना हो गया माइनस करके 0 और 2, अब ये 16 डायरेक्टली नीचे आ गया, ठीक है। अब दिमाग लगाओ ये कितना है, दो डिजिट का 50 है, इधर दो डिजिट क्या है भाई 20 है, ये दो डिजिट इससे छोटा है ना तो तीसरा डिजिट भी लो, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ से एक डिजिट कम करो, यहाँ से एक डिजिट कम करो। अब 5 का टेबल पढ़ो 20 तक या 20 से नीचे तक, तो 5 का टेबल 20 तक पढ़ता हो ना तो 5 4 आता है, यानी 5 4 आया ना, तो 500 4 × 4 को मल्टीप्लाई करो, देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 4 4 16 कैरी 1, 4 0 0 1, एंड 4 5 20, तो 2 0 1 6 आ रहा है, दैट मीन्स इधर भी 4, इधर भी 4, इधर भी 4, तो ये 508 और इधर 2 0 1 6, दैट इज इक्वल टू 0 0, हमारा आंसर क्या है 254, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं और आपके पास जाऊं तो एक 6 डिजिट का भी नंबर ले लेते हैं, 127449, ठीक है, 127449, दो दो का जोड़ा बनाओ, दो दो का जोड़ा बना दिया हमने, चलो यहाँ पे 12 का एक जोड़ा बना, 74 का एक पेयर बना, 49 का एक पेयर बना, यहाँ पर वही नंबर लिखना है ना जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो लेकिन 12 से छोटा होना चाहिए, तो वो नंबर मालूम क्या है 3 3 9 है, 6 माइनस करके 3 आता है। अब ये 74 पूरा के पूरा नीचे आएगा, 74 पूरा के पूरा क्या होगा नीचे आ जाएगा। अब जब 74 पूरा के पूरा नीचे आ गया ना, तो देखो 6 6 है ये, अब दिमाग यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर है ना सिंगल डिजिट है, तो ये भी सिंगल डिजिट लो, लेकिन ये सिंगल इससे छोटा है ना तो हम डबल डिजिट लेंगे। तो देखो 6 का टेबल 37 से छोटा, तो 6 6 आता है, तो 6 6 मल्टीप्लाई करूँगा ना तो 6 36, 6 कैरी 3, 6 36, 36 प्लस 3 39, यानी 396 आ रहा है। तो अब करना क्या, ये बढ़ा रहा है तो ये हम नहीं ले पाएंगे, तो 6 के बदले 5 लो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 5 कैरी 2, 6 5 30, 30 प्लस 2 32, तो ये हो गया 65 से, तो 5 यहाँ पे प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 70, और ये हो जाएगा 325, ठीक है। इधर बचा 9 और ये हो गया 6, 6 माइनस 2 कितना होगा 4, कितना हो गया 4। अब ये पूरा के पूरा 49 क्या है नीचे आएगा, पूरा के पूरा 49 क्या होगा नीचे आएगा। चलिए आप दिमाग और लगाते हैं, अब देखिए यहाँ पर दो डिजिट, यहाँ पर भी दो डिजिट, यहाँ पर दो डिजिट, यहाँ पर भी दो डिजिट, लेकिन ये दो डिजिट है ना इससे क्या है छोटा है, तो हमें करना क्या होगा एक डिजिट और लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से एक डिजिट निकालो, यहाँ से एक डिजिट निकालो, 7 का टेबल पढ़ो 49 के जितना या उससे कम, तो 7 7 49 होता है ना, तो एक बार रफ में ना 7 आया ना, तो 7 7 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करके चेक करने का, देखो 7 7 49, 9 कैरी 4, 7 0 0 और ये 4, 7 7 49, तो इधर क्या आएगा
सेवन, 14 कैरी वन, 1 4 9 4 9 0 0 0 0, तो ये अपना यहाँ पर आ जाएगा 7। तो फाइनल आंसर क्या बच्चों अपना 357। हाँ तो बच्चों ये एक नेक्स्ट सम है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स का एक नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, दो दो का पेयरिंग करें। चलो ये अकेला बच्चा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 लगाना पड़ेगा। अब दिमाग लगाओ अकेला क्या बच रहा, 5, तो यहाँ पर 2 2 4 लिखूंगा मैं और ये 2 को यहाँ प्लस करूंगा, यही मेथड हम करते आ रहे हैं। बच्चा कितना 1, और पूरा क्या उतरेगा इधर 55 पूरा उतरेगा, राइट। अब देखो सिंगल डिजिट है ना, तो इधर सिंगल लो, लेकिन अगर सिंगल इससे छोटा है तो मुझे डबल लेना पड़ेगा। तो 4 का टेबल पढ़ो, 15 से छोटा, तो 4 3 12 ना, तो 3 आया, तो 3 को यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9, 3 4 12, छोटा आ रहा है तो वेरी गुड। 3 इधर भी लिखो, 3 इधर भी लिखो, 3 इधर प्लस करके 46 भी करो, और यहाँ पर लिखो 129। अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा मालूम है, ये आएगा 6 और इधर 2, 26 आएगा। सिमिलरली ये 07 इधर गया, ठीक है। अब बारी है ना फिर से वही करने की, देखो 2 डिजिट है इधर, 2 डिजिट है, लेकिन अब 2 इससे छोटा है ना, तो 3 डिजिट लो। तो मैंने बताया था ना इधर से एक छुपाओ, इधर से एक छुपाओ, तो 4 का टेबल पढ़ो, 26 से छोटा, तो 4 6 24 होता है, तो 6 6 36, कैरी 3, 6 4 24, ठीक है, 6 4 24 प्लस 3 27, ये बड़ा आ रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना है, 5 से जाने दो, 5 से अगर हम लोग लेकर जाएंगे ना, तो 465 इंटू 5 हम करते हैं, 465 इंटू 5, 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 6 30, 30 प्लस 2, 2 कैरी 3, 5 4 20 23, तो ये आपका परफेक्ट आ रहा है। तो ये 5 से परफेक्ट आ रहा है, किससे परफेक्ट आ रहा है, 5 से। तो 5 5 0 कैरी 1, 7 4, और यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 2 5, तो फाइनली 2 8 2, ठीक है, और 36। अब बड़ी बात आ गई, देखो 3 डिजिट है, 3 डिजिट ले लो, ठीक है, 3 डिजिट इससे छोटा है तो एक और डिजिट लो। अब मैंने बताया था ना यहाँ से 2 छुपाओ, तो यहाँ से भी 2 छुपाओ। अब 4 का टेबल पढ़ो, 28 से छोटा, तो 4 का टेबल 28 से छोटा, यानी 4 6 24, तो इस पूरे को ना, इस पूरे को 6 लिख कर मल्टीप्लाई करो, देखो इतना आता है क्या, 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 0 0, बचा कितना 3, थोड़ा देखो नज़दीक हम जा रहे हैं, 6 7 42, 2 कैरी 4, 6 4 24, 24 प्लस 4 इज 28, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आ रहा है, यानी इधर भी 6, इधर भी 6, इधर 6 प्लस करूंगा तो 2 कैरी 1 1 7 4, और इधर 2 8 2 3 6, पूरा 0 0 0 0, तो ये अपना आंसर है। तो बच्चों ये लॉन्ग डिविजन मेथड है, और एक दो सम मैं नहीं भी करवाऊंगा, तो आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करके करना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे एक्सरसाइज का ना 3.2 का, वो क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9072 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए पूछा क्या गया ना कि एक नंबर है, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पूछा ये जा रहा है ना कि इसमें ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ना जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है ना उसका फिर से आपको ना स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 2 से होगा ना, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 9 है ना, तो 2 4 8, बचा 1 1 0 10, तो 2 5 10, फिर 0 बचा, 7 है तो 2 3 6, बचा 1 1 2 12, तो 2 6 12, फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 4, 0 हो गया, 2 2 4, बचा 1 1 3 13, तो 2 6 12, बचा 1 1 6 18, 2 8 16, 2 1 2 1 2 3 2 4, फिर से 2 से होगा। अब देखो ये छोटा है ना, तो 2 डिजिट लेंगे, तो 2 5 10, 11 से जस्ट छोटा, 2 5 10, बचा 1 1 3 13, तो 2 6 12, बचा 1 1 4 14, तो 2 7 14, 5 6 7, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 7 है, 7 ऑड है, तो अब देखते हैं 3 के टेबल में आएगा कि नहीं। तो 5 प्लस 6 11 11 प्लस 7 इज 18, और 18 3 के टेबल में आता है, यानी ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 का टेबल पढ़ो, 5 से छोटा, यानी 3 1 3, अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2,
26, 26, अब 26 से छोटा यानी 3 8 24, तो 26 में से 24 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2 2 7 27, और 3 9 27। फिर से 3 के टेबल में आएगा क्योंकि देखो तीनों को प्लस करके 18 आ रहा है, तो 3 के टेबल में देखो 1 है, 1 और 8, 1 3 से छोटा है तो दो डिजिट लेना पड़ेगा, तो 3 के टेबल में 18 कब आता है, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6 1, 3 7 और 7 1। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 9072 इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक अकेला 7। देखो यहाँ पर पेयरिंग बनाओ, इन सब की पेयरिंग बन रही है लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं बन रही है, यानी मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे आई हैव टू मल्टीप्लाई, वी विल मल्टीप्लाई 9072 बाय 7 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब देखो 9072 में ना अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 63504। अब आपको करना क्या है ना, बोला गया ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब इस नंबर का फिर से आपको इसी तरीके से करोगे ना तो खाली एक ही कुछ नया ज़्यादा नहीं होगा, अच्छा ही वैसे ही सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, बाकी फिर ये एक्स्ट्रा एक 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है, देखिए जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 है ना उसका एग्जैक्टली थोड़ा सा उल्टा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2890 मस्ट बी डिवाइडेड, वहां पर मल्टीप्लाई यानी 7 जो एक्स्ट्रा बच रहा था ना तो हमने 7 को ही मल्टीप्लाई किया, अब यहां पर जो एक्स्ट्रा बचेगा ना एलसीएम निकालने के बाद हम उसी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए देखो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट करूंगा, 2 से होगा ये, ठीक है। तो देखिए 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8 बचा 1 क्योंकि 9 है, 2 4 8 बचा 1, 1 और 0 5, ठीक है। अब देखते हैं ये 3 के टेबल में जाएगा, चेक करते हैं, 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा तो फाइनल हो गया क्योंकि लास्ट में 5 है। देखो 1 प्लस 4 5 5 प्लस 5 10 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता है, तो बारीक इसके इसमें अब 5 का नंबर लगेगा क्योंकि लास्ट में अगर 0 और 5 हो ना तो हम लोग इसको 5 से कर सकते हैं। तो देखो 1 है, 1 छोटा है ना 5 से तो दो डिजिट लेंगे, तो 5 का टेबल पढ़ो 14 से छोटा, तो 5 2 10 बचा कितना 4 4 4 44, तो 5 8 40 बचा कितना 4 4 और 5 45, तो 5 9 45। आई बात समझ में। अब दूसरी चीज क्या है, अब ये किसके टेबल में आता है, देखिए 289 है ना वो 17 के टेबल में आता है, 17 17 17 1। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, 2890 का ना 2 × 5 × 17 × 17, यानी अगर मैं बोलूँ कि इसको किससे डिवाइड करना होगा ना तो इसमें देखो इसमें इसका भी एक चाहिए, इसका भी एक वैल्यू चाहिए, तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं वी विल डिवाइड 2890 बाय 10, ठीक है। तो जब 2890 को ना मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 289 मिलता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसका भी आपको ना इसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो वो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 10 12 18 एंड 24। जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आया ना तो आपको 10 12 18 और 24 का ना एक एलसीएम निकाल लेने का कंटिन्यूसली साथ में ही, ठीक है। और जो भी यहाँ पर फैक्टर है ना उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, वही सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी से डिविजिबल होता है। तो लेट स्टार्ट विथ 2, तो 2 5 10, 2 6 12, 2 9 18, 2 12 24। जब तक 2 से पूरा ना हो जाए ना, देखो 5 नहीं आता तो 5 को रहने दो, 2 3 6, 9 को ऐसे रहने दो, 2 6 12, अभी भी 2 से जा रहा है, कोई भी एक जाएगा ना तो भी आपको करना है, और जो 2 के टेबल में नहीं आता ना उसको एग्जैक्टली नीचे कॉपी करके लिख दो। अब देखो 2 का समाप्त हो गया, बारी किसके है 3 की, तो 5 को ऐसे रहने दो, 3 1 3, 3 3 3 1 3, फिर से 3 3 5 1 1 1, अब बचा क्या 5 1 1 1 1। अब यहाँ पर क्या है ना, सिंपल सी चीज़ है, एलसीएम कितना आ रहा है, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, देखो 2 2 4, 4 2 8,
ठीक है, 8 5 40 और 40 × 9 यानी 40 × 9 यानी 360, यानी 360 सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी से डिविजिबल है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का ये है, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। देखिए जब भी सब्ट्रैक्टेड एडेड है ना, तो समझ लेना मुझे स्क्वायर रूट का जो मेथड यूज करना है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नहीं यूज करना है, मुझे लॉन्ग डिविजन मेथड वाला यूज करना है। तो यानी 4 5 1 6 3 4 जो है ना, इसको मुझे लॉन्ग डिविजन मेथड से सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? लॉन्ग डिविजन मेथड से। तो देखो यहाँ पर ना मुझे पेयरिंग बनानी है, दो दो की पेयरिंग बनानी है, ठीक है। तो देखो एक 34 की पेयरिंग बन गई, 16 की बन गई, 45 की बन गई। याद है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वही नंबर लिखना जो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 45 से छोटा आता हो। तो देखो 6 6 36 होता है और 6 7 7 49 होता है, तो 49 वाला तो बड़ा हो गया। तो 6 6 36 कितना माइनस करके कितना आएगा इसमें? 9 आता है। कितना आता है? 9। और ये 6 को यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 12। अब ये 16 को पूरे को नीचे उतारो। अब देखो ये दो डिजिट है, यहाँ पे दो डिजिट है और ये दो डिजिट इससे बड़ी है, तो 12 का टेबल पढ़ो, 91 से छोटा। तो 12 6 72, 12 7 84, तो 7 के साथ करके देखो, 7 7 49, 9 carry 4, 7 2 14 प्लस 4 18 carry 1 और 8। देखिए एग्जैक्टली छोटा आ रहा है, तो 7 7 और इधर 8 8 9, तो कितना होगा ये? 7 2, 27 बच रहा है और इधर 7 को प्लस करके 134 लिख सकते हो आप, और इधर कितना आ गया? 34। अब देखो यहाँ पर तीन डिजिट है, यहाँ पर भी तीन डिजिट है, राइट। अब तीन डिजिट है ना, और ये तीन डिजिट है, तो एक काम करते हैं, इधर से एक डिजिट छुपाते हैं, इधर से भी एक डिजिट छुपाते हैं। 13 का टेबल पढ़ो, 27 से छोटा, तो 13 2 जा ना, तो पूरे को ना 2 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 2 6 8 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 6 8 4, 2 6 8 4 बचा 0 5, यानी 50 बच रहा है। यानी रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा है बच्चों? रिमाइंडर बच रहा है 50। कितना बच रहा है? 50। यानी इस नंबर में से अगर मैं 50 को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तब मेरा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बचेगा। समझ में आ गया? तो यही एक सम है, सब्ट्रैक्ट वाला इजी है, इसके बाद हम लोग करेंगे एडिशन वाला। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना क्वेश्चन नंबर 8 जो एडेड वाला है ना, मैं इसी में समझा देता हूँ। समझ लो अभी यही नंबर है, इसी को मैंने, मुझे पूछा गया कि इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसी तरीके से सॉल्व करो, रिमाइंडर 85 बचेगा। जब ऐसा कभी हो ना, तो आपको क्या करेंगे मालूम है? ये नंबर ले लो, कौन सा? 672 है ना, 672, इससे एक ज़्यादा कौन सा हो जाएगा? 673। अब मुझे 673 को ना 673 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कहने का मतलब क्या है? 673 का होल स्क्वायर निकालना। जब 673 का होल स्क्वायर निकालूंगा ना, तो उसका होल स्क्वायर का आंसर आएगा 4 5 2 9 2 9। कितना आ रहा है? 4 5 2 9 2 9। यानी इस वाले नंबर में से ना मुझे ये वाला माइनस करना पड़ेगा, यानी 4 5 2 9 2 9 में से 4 5 1 6 3 4 को माइनस करना पड़ेगा। और जब इनको मैं माइनस करूंगा ना, माइनस करने पर आ रहा है 1 2 9 5, यानी इस नंबर में मैं इतना ऐड करूंगा ना तो मुझे आंसर मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना, जो भी क्वेश्चन आता है ना उसके बाद वाले नंबर का होल स्क्वायर करो, जो भी आंसर आता है ना उसमें इस वाले नंबर को माइनस करो। अगर समझ लो इधर है ना 56 आता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में 56 आ रहा, तो मुझे 57 का स्क्वायर निकालना, जो भी आंसर आता ना उसमें यहाँ वाले नंबर को माइनस करना पड़ता। ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का सेम ही कंसेप्ट था, ठीक है। चलिए फाइन, देखिए अभी है ना यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है, वो भी कितने का? 5 डिजिट का, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 9 9 9 9 9 है। तो देखो दो दो का पेयरिंग करके ना लॉन्ग डिविजन मेथड से आप इसको सॉल्व करो, कितना रिमाइंडर आया? 143। कितना रिमाइंडर आया? 143। मैं आपको क्या करना है, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है ना उसके अंदर 143 सिंपली माइनस कर दोगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। तो यहाँ पर है ना हमको 6 डिजिट लेने के लिए मालूम क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 लेकर उसको सॉल्व करो, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ही। जो भी रिमाइंडर बचेगा ना उसको इसमें माइनस करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो नंबर दिख जाएगा जो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, जो कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है।
स्टूडेंट्स, ये हमारे इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो, सिक्स डिजिट का लीस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले तो मैंने ये कर दिया। इसमें कुछ नहीं करना, और जो ऊपर मैंने अभी जो समझाया ना एग्जाम्पल के तौर पर, उसके जैसे ही है, बट थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पर क्या करना, पेयरिंग बनाना सबसे पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 है ना, तो 3, 3 ज़ा 9, इधर भी 3 प्लस करेंगे, बचेगा 6, और यहाँ पर बचेगा 1। अब 100 यानी 00 नीचे उतरेगा डायरेक्टली। अब 6 वन डिजिट है, इधर भी वन डिजिट हो, लेकिन ये वन डिजिट इससे छोटा है ना, तो 2 डिजिट लेंगे। 6 का टेबल 10 से छोटा यानी 6 बन जाता है, 61 इंटू 1 करेंगे ना, तो 61 ही आएगा। तो देखो इधर 1 प्लस 1 यानी 62, और यहाँ पर 61 यानी ये कितना हो गया, 39। अब ये 00 हो गया। अब देखो दो डिजिट इससे छोटा है ना, तो 3 डिजिट। अब इधर से एक निकालो, 6 का टेबल पढ़ो, 39 से छोटा यानी 626, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो 6 6 36 कैरी 3, 6 2 12, 12 प्लस 3 15 कैरी 1, 36 प्लस 1 37। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6, इधर भी 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 36, इधर 3 7 5 6। अब देखो ये फाइनली 4 9 1 194 रिमाइंडर बच रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 1 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 1 6 के बाद वाला नंबर क्या होगा, 3 1 7 है ना, 317 को 317 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है ना, इसका आंसर लगभग आता है 100489। तो ये सबसे छोटा सिक्स डिजिट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका सेकेंड एक्सरसाइज हमारा समाप्त होता है, ठीक है। चलिए इसको नोटबुक में अच्छे से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।